बता दें। तो उन्होंने कहा मैं आपकी हेल्प करूंगी, उन्होंने मुझे अच्छा सा समझाना शुरू किया। अभी कोई दूसरा तीसरा दिन था तो मैं चैप्टर 2 पे आई, तो मुझे एक आईना सा दिखा कि मुझे ऐसा लगा जैसे कुरान मुझसे बात कर रहा है। तो अब आयत में मैंने अपने आप को देखना शुरू किया, मुझे एकदम पहले तो बड़ा मज़ा आया। मुझे चैप्टर 2 में पहले मुत्तकी में लगी, अच्छा जी, फिर आ गया मुनाफिक का चैप्टर आया, तो कहीं ना कहीं मुझे दिल में ऐसी खटकी आई कि कहीं मैं इस कैटेगरी में तो नहीं फॉल करी कि जो आसान लगता है वो तो मैं कर लेती हूँ, अल्लाह क्योंकि मुसलमान तो हूँ तो जो आसान लगता है वो मैं कर लेती हूँ, जो मुश्किल हैं चीज़ें वो क्यों छोड़ देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं शोबिज़ की बात करती हूँ तो ब्यूटिफुल फील्ड, लेकिन जो मैं करी थी कहीं उसमें अल्लाह को तो नहीं नाराज करी थी। तो ऐसे लगता था कि अगर मैं हिजाब के बगैर कोई काम करती हूँ, अपनी ब्यूटी शो ऑफ कर रही हूँ, कहीं मेरा अल्लाह तो नहीं मुझसे नाराज़ हो रहा। तो इसलिए मुझे ये बड़ा रियलिटी चेक मिला कि आप चेक कर लें। एक्चुअली मैंने चैप्टर 2 को वो आईना समझा और उस पर बहुत फोकस हुआ मेरा, मैंने अल्लाह की तरफ रुजू किया। फिर वो कहते हैं ना कि अल्लाह कहता है कि यू टेक अ स्टेप, आप स्टेप अल्लाह की तरफ लेते हैं, अल्लाह की तरफ चल के जाते हैं, अल्लाह कम्स रनिंग टू यू टूवर्ड्स यू। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, जब मैं कुरान की तरफ पहुंचना चाहा मुझे नहीं पता चल रहा कि कैसे सब मेरी तरफ आना शुरू हो गए। मैंने सिर्फ खोलना चाहा था, देखा और सब कुछ खुद से होना शुरू हो गया। सबसे पहले मैंने अनाउंस किया इंस्टाग्राम पे कि मैं अल्लाह की तरफ आई हूँ, क्योंकि वो दिल में मुझे डर आया था चैप्टर 2 पढ़ के कि कहीं मैं अल्लाह की उस वाली कैटेगरी में ना आ जाऊँ जो अल्लाह को पसंद नहीं है। कोई भी हुक्म हम वो मान लेते हैं जो हमें इजी लगता है और वो छोड़ देते हैं जो हमें मुश्किल लग रहा होता है। तो मैंने मुझे ये हिजाब पहनना मुश्किल लगता था शायद, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सिर्फ क्रिएशन को खुश करना है, और उसको क्रिएशन को खुश करके मैं अंदर से खुश नहीं थी। मैं रोज़ परेशान थी कैसे कैसे, कभी कोई पोज, कभी ये, कभी बाल स्ट्रेट, कभी बाल कर्ल, तो ये डाई वाई, पता नहीं क्या क्या हो रहा था ज़िंदगी में सिर्फ क्रिएशन को खुश करने के लिए। एंड वॉट अबाउट द क्रिएटर ऑफ द क्रिएशन, उसके लिए क्या किया? मतलब अगर ये क्रिएशन को इम्प्रेस करते करते मैं अल्लाह के पास चली गई तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाती कि तुमने मेरे लिए क्या किया? फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इधर भी आ रही थी तो मेरी इतनी अच्छी तैयारी थी कि मैं तैयार होके जाऊंगी, मैं अपनी बात करूंगी, मैंने समझा कि मैं आप लोगों तक क्या मैसेज लाऊं, मतलब तैयारी थी मेरी। वॉट इफ मैं अल्लाह के पास चली जाती और मेरी कोई तैयारी नहीं होती? तो बात यह कि बेस्ट एक्टर बनने के लिए भी मैंने इतनी तैयारी की। तो अभी जैसे मैंने आपसे हदीस शेयर की थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे, कुरान का इल्म सीखे और आगे दूसरों तक पहुंचाए। अब बेस्ट एक्टर तो मैं बन गई, अब ज़रूरी तो नहीं कि बेस्ट एक्टर एक अच्छा इंसान भी हो, एक अच्छी बीवी भी हो, अच्छी माँ भी हो, अच्छी बेटी भी हो, अच्छी बहन भी हो, अच्छी बहू भी हो। वो मुझे इस हदीस से ये समझ आई कि बेहतरीन इंसान अगर बनना है तो उसका रास्ता ये है, कुरान। कुरान तक आएंगे तो ही आप बेहतर इंसान बनेंगे। तो बस मेरी अप्रोच इधर तक थी और अल्लाह ने मेरे लिए रास्ते आसान किए।